नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के गोंडा की रहने वाली पीड़िता राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराने आई। पीड़िता ने बताया कि उसकी बहन के साथ पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने छेड़छाड़ की और जब इसकी शिकायत लेकर पीड़िता और उसके पति जब इसकी शिकायत लेकर दबंग व्यक्ति के घर पर पहुंचे तो घर के लोगों ने मिलकर पीड़िता और उसके पति पर लोहे की रॉड से जमकर पीटा है, मार मार कर अधबरा कर दिया। पीड़िता का पति लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत बताई है, लेकिन स्थानीय थाने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़िता लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है और पीड़िता को कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना ही दबंगों पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है। ये मामला यही हुआ कि हमारे साले हमारे यहाँ आए थे, उसी दिन गए जब वो घर पे, तो उसके बाद 7-8 बजे खबर आई कि तुम्हारे साले को जो है मार के सब कोई फेंक दिया। तो जब वहाँ पे मौके पे हम पहुँचे तो जब नवाबगंज थाने पे गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ से हमारी बहन जो है लेके चली गई उनको जो है गोंडा। गोंडा जब गए हम तो पता चला कि लखनऊ लेके गए। तो आज जब यहाँ फैजाबाद हम आए, अरे लखनऊ में आए, तो लखनऊ में पता चल रहा है कि सब कह रहे हैं डॉक्टर कि ऑपरेशन होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, इसीलिए हम लोग सब कोई परेशान पूरा। जब का नाम हमारे जेठ की लड़की थी, जब उसका पूछने लगे मतलब क्या हो, तो जब पूछने गए इनके चाचा तो बोले कि हाथ पकड़े क्यों थे, तो बस सब चारों लोग मिलके फरुआ कुदार तो लोहे की सरिया से सब लोग मारने लगे। कौन-कौन? अरे उनके छोटे और क्या बोलते हैं लल्ली की अम्मा, लल्ली निशा और मुबारक के आमिर आदिल और ऐसे मानने वाले बहुत लोग थे, होलापुर तालिब। आपके पास घर के? हाँ, घर के पास में। झांसी के गुरसराय में प्रमुख चौराहे पर मौन जुलूस निकालकर कर्नाटक के बिलगाम के पास हीरीखेड़ी में हुई जैनाचार्य कामकुमार नदी के अपहरण और निशंस हत्या के परिणाम स्वरूप सकल जैन समाज आक्रोशित है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि घटना से जुड़े हुए दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए जिससे अन्य अपराधियों को सबक मिल पाए। साथ ही समस्त जैन साधुओं और साध्वियों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है। गुरसराय सकल दिगंबर जैन समाज और क्षेत्रवासी जनता ने गरौट तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। कहा कि संत की हत्या को नकारा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन देने में जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश जैन, गुलाब जैन, रवि जैन और समाज की महिलाएं मौजूद नजर आई। प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? आचार्य कुमार, आचार्य श्री काम नंदी महाराज जो कर्नाटक में बेलग्राम में हत्या हुई है, उस विरोध में हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला बाजार गुराई बाजार होते हुए मोदी चौराहे, यहाँ से हम लोग गरोठा जाएंगे SDM साहब के पास ज्ञापन देने उन्हीं महाराज को जिससे। फर्रुखाबाद के स्कूल में टीचर ने छात्र के साथ डंडों से मारपीट की है, दूसरे में महिला टीचर ने गाली गलौज की। स्कूल में टीचर का खुलेआम गाली गलौज करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षक शिक्षिका लगातार यहां पर शिक्षा देने की जगह गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाए तो ये कि गाली गलौज विद्यालय के अंदर देकर इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। टीचर्स छात्रों के साथ मारपीट करते हैं जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी को टीचरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर, विकासखंड मोहम्मदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दरियापुर और किमालपुर का एक पूरा मामला है जहां पर शिकायती पत्र दिया गया है। इस पूरे मामले में जाँच की बात कही जा रही है। वही देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहाबारी में मकान मालिक पर जबरन रूम खाली कराने और मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन करने में जुटी है। पीड़िता का कहना है कि मकान मालिक ने एडवांस के तौर पर 10 महीने का किराया लिया है और जबरदस्ती रूम खाली करा रहा है और पैसे भी वापस नहीं दे रहा, जिसको लेकर मारपीट की गई है, जिसमें बीच बचाव कराने आए व्यक्ति का मोबाइल और पर्स भी छीन लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह के आरोप लगातार पीड़िता लगा रही है। मामला यह है सर कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मामला यहाँ यह आया कि जैसे मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महिलाओं को ये लोग खींच करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि मामला क्या है,
तो यहाँ रूम खाली करने के मामले को लेकर के ये बवाल हो रहा था। तो जब मैंने पूछा कि क्या रूम खाली करने का क्या मामला है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई ये मकान मालिक जो एडवांस के तौर पर 10 महीने का भाड़ा पहले 51,000 रुपया ले चुका है। हम लोग सुबह सोए हुए थे, मकान मालिक आया 10-12 लोगों को लेकर और बोला जो रूम खाली करो। हमने बोला कि हमारा पैसा दे दीजिए, मैं खाली कर दूंगी। उस उतना ही पे हमारे लड़कियों के साथ 10-12 लोग जेंट्स आए थे, वो बदतमीजी करके उन लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए उनको मारने लगे। वहीं फरुखाबाद में करीब 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। 50 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पढ़ने वाले बच्चों का जीवन पूरी तरह से बेहाल हो गया है। गंगा किनारे बसे गांव लगातार पानी बढ़ने से भयभीत है। किसानों की हजारों बीघा फसलें गंगा में समा गई हैं। लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो गांव हैं निचले इलाकों में हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधा नहीं, ग्राम पंचायत कट्टी धर्मपुर कोई अधिकारी नहीं, कोई यहाँ पर किसी मामले की कोई भी ऐसा नहीं कि किसी कहीं भी कोई सुविधा मिली हो ना। दूसरी बात ये कि सुविधा तो हमको वो मिलना चाहिए कि जो जमीन इस ग्राम पंचायत में हो या दूसरी ग्राम पंचायत में हो। सड़कों पर पानी आ गया है, तो कई जगहों पर जो है अभी पूरे जिले में जो है आज 7 नावें लगाई गई हैं और जहाँ भी है लोगों को जो है राहत सामग्री के साथ साथ जो है लोगों को जो है मेडिकल कैंप और पशुओं के लिए चारा की सारी व्यवस्थाएं कराई गई। गाजीपुर में जमानिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महली पर शनिवार को करीब 12:30 बजे स्कूल पर ताला लटका मिला। एक तरफ बीएसए हेमंत राव लगातार परिषदीय विद्यालय का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ अध्यापक कहीं ना कहीं इस पूरी कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं कि भले ही आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब मीडिया की टीम ने विद्यालय को देखा तो उसमें ताला लटका हुआ था। वहीं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापक संदीप कुमार वर्मा बहुत कम विद्यालय आते हैं और सहायक अध्यापक द्वारा विद्यालय करीब 12:30 बजे ही बंद कर दिया जाता है। उन लोगों ने बताया कि विद्यालय के ठीक बगल में बहुत बड़ा तालाब है और विद्यालय का कुछ हिस्सा तालाब से सटा हुआ है। कभी भी जो भवन है वो धराशाही हो सकता है। विद्यालय की बाउंड्री भी नहीं है जिससे कभी भी बच्चे पोखरी में गिर सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन लेता हुआ कोई भी अधिकारी नजर नहीं आता है। यह है कि हर दिन तो विद्यालय चलता रहता समय से जी, लेकिन आज 12:30 बजे बंद हो गया। और इसमें समस्या यह है कि एक मास्टर हैं और एक मैडम जी, वो आज आए थे और जो प्रधानाध्यापक हैं जी वो आज नहीं आते थे। महीना में 4 दिन पर 5 दिन पर ये खाली आते हैं, यही समस्या है जी। समस्या मतलब महीने में 4-5 बार आते हैं बस? महीने में जैसे 4 दिन पर 5 दिन पर एक बार आते हैं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन पर 1 बार आते हैं प्रधानाध्यापक जी। और एक शिक्षा मित्र हैं, वो शिक्षा मित्र एक मैडम हैं। वही पीलीभीत जनपद में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान रैली को भगवाधारी विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आम जनता के हित में निकाला जा रहा है। वहीं विधायक ने अभियान के तहत सुरक्षित वाहन चलाने की भी लोगों से अपील की है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर हरी झंडी दिखाई, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य? देखिए, आप सभी जानते हैं और पहले से भी ये बतलाया जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा पखवाड़े के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया है और मैं समझता हूँ यातायात नियमों का पालन होना चाहिए। इससे सभी नौजवानों की सुरक्षा रहती है, सभी लोग हेलमेट लगाकर चलें, यातायात नियमों का पालन करें और अपनी ही साइड से चलें। अनियंत्रित जब वाहन को लोग चलाते हैं तभी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी परिवार पर संकट टूटते हैं, तो ऐसे में अनियंत्रित होकर के ना चलाएं वाहन और नशा ना करें, बिना मादक पदार्थ लिए वाहन को चलाएं, क्योंकि परिवार भी इंतजार करता है नौजवानों का और नौजवानों के ऊपर ही परिवार चलता है। इसलिए मेरा आप सभी नौजवानों से अनुरोध है कि सब लोग मिल करके सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत यातायात नियमों का पालन करें।
वहीं सहारनपुर पुलिस ने नकली करेंसी छाप कर मार्केट में चलाने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि नकली नोट बनाने और चलाने में ऐसा गिरोह पुलिस के हत्थे लगा है जो भोले भाले लोगों को नकली नोट देकर असली नोट अपने पास रखते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह का संचालन मात्र 8वीं पास है और नकली नोट मार्केट में चलाने वाला अनपढ़ है। रवि और जसवंत आपस में रिश्तेदार भी हैं। रवि जहां मात्र 8वीं पास है तो वहीं जसवंत अनपढ़ है। एसपी देहात सागर जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर के थाना बड़गांव पुलिस ने गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रवि और जसवंत उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में लक्सर के रहने वाले हैं। सहारनपुर पुलिस ने रवि और जसवंत से स्कैनर प्रिंटर भी बरामद कर लिया है। जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये करीब 15-20 दिन से इस कार्य को कर रहे हैं और बहुत छोटी मात्रा में इन्होंने नोट अभी चलाए हैं, करीब 5-7 हजार रुपए, और ये इनका प्लान था कि इसी तरह थोड़े थोड़े नोट जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाएं जिससे इन पर शक ना हो। बट ये कल दोनों गिरफ्तार हुए और आज ये पहले भी इन पे कोई मुकदमे जी इन पे कोई अभी तक आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है और इसकी और भी जानकारी कर रहे हैं बाकी थाना से और बाकी जनपदों से। जी अब ये जो है स्कैन करके इन्होंने प्रिंट लिया है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने नहीं है, ये बहुत ही एक नौसिखिया तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है जिसमें ये असफल रहे और कल गिरफ्तार हुए। मैनपुरी के थाना कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने विभिन्न विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी करने वाली एक महिला ने थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया गया है कि सौरभ अग्निहोत्री निवासी उर्साहार जनपद इटावा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1,90,000 रुपये ले चुका है। पकड़े गए आरोपी अभियुक्त के पास से 5 फर्जी आधार कार्ड जो आरोपी अभियुक्त के नाम से ही बने थे, मोबाइल फोन और 35,000 रुपए बरामद हुए हैं। वही जब आरोपी से गहन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लगभग 17 लोगों के साथ विभिन्न विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर जिसमें स्वास्थ्य विभाग FCI और जेल विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 40,00,000 रुपए की ठगी वो कर चुका है। वहीं पकड़े गए आरोपी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी ली जा रही है। एक ये स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है, लेडी है, इन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी थाना कोतवाली में कि एक सौरभ अग्निहोत्री है, इसने इससे 1,90,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कराने के नाम पे ठगी कर ली है। तो उससे उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इससे संबंधित जब इस अभियुक्त को जो उसराहार इटावा का रहने वाला है सौरभ अग्निहोत्री इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जे से कई फर्जी आधार कार्ड जो अपने नाम से 5 आधार कार्ड मिले हैं जो विभिन्न पतों पर इसने बनवाया हुआ था, 2 एंड्रॉयड फोन और 35,000 रुपये बरामद हुए हैं। सहारनपुर में पुलिस ने खुदकुशी करने वाले व्यक्ति की टाइम से पहुंचकर जान बचा ली है। पति ने 112 पर कॉल कर खुदकुशी करने की सूचना दी थी और जैसे ही वहां पर 112 पुलिसकर्मियों को जानकारी मिली तो वो घर पहुंचे, घर का दरवाजा तोड़कर पंखे पर फांसी लगाने वाले शख्स को बचा लिया। पुलिसकर्मी ने खुदकुशी करने वाले व्यक्ति को समझाकर सकुशल बाहर निकाला है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ से पूरा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर थाना देहली गेट क्षेत्र में बीते दिनों पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाया था जिसमें पीड़ित पति ने थाना देहली गेट में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने के चलते SSP दफ्तर पर न्याय की गुहार लगाई गई है। उसका कहना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है और उससे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिसके चलते SSP से वो न्याय की गुहार लगा रहा है। नगर थाना गेट, क्या मामला हुआ, किस मामले की शिकायत लेकर आए हो? सर मेरे 15/4/2023 को मेरे घर में घुस के मुझे हमला किया, मेरे ऊपर मेरे साथ मारपीट की और इसमें मेरी पत्नी और उसके साथ उसका रोहित कुमार पांडे और एक और अदर व्यक्ति था जिसने मुझे मारपीट करके चला गया। मैंने इसके लिए थाने में एप्लीकेशन दी जिसमें मुकदमा लिख दिया गया है लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी।
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर देवबंदी उलेमा ने कड़ा एतराज जताते हुए भारत सरकार से मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चोरी छिपे घुसपैठियों की तरह भारत में दाखिल हुई है, हो सकता है ये पाकिस्तान की एजेंट हो, आईएसआई की एजेंट हो और हमारे देश की जानकारी वहां देना चाहती हो, तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उनका कहना है कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी इस्लाम के ऊपर गुजारी हो और वो चंद दिनों में सब कुछ भूल गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो इस्लाम में नहीं है, उसने जो मजहब इख्तियार किया है अब उसका वही मजहब है। रहीम, जैसा कि आपका सवाल है सीमा हैदर को लेकर जो पाकिस्तान से ये औरत आई है, तो इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके मुसलमान होने में भी शक है कि वाकई में ये मुसलमान है भी या नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने देखा कि एक मीडिया का बंधु उनसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि जो है आप सूरह फातिहा सुनाइए, सना सुनाइए। उस औरत को सूरह फातिहा की नहीं मालूम, सना के बारे में मालूम नहीं, नमाज रोज़े के बारे में मालूम नहीं। अगर कोई इंसान 20-25 साल मजहब इस्लाम के ऊपर अमल करता चला आ रहा है, तो क्या वो 10 या 15 या 20 दिन के अंदर वो तमाम 20-25 साल के अपने आमाल और अहकाम को भूल जाएगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक आईएसआई एजेंट है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों की फौरन तत्काल जो है इनकी जांच करें। बुलंदशहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जनपद में रोडवेज बस स्टैंड पर एक सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत रोडवेज वाहन चालकों की एक आयोजित कार्यशाला में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रतिभाग करते हुए रोडवेज कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बसों का संचालन सुरक्षित रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि बस में सफर करने वाली सवारी भी आपका ही एक परिवार है, जो कि आप पर विश्वास करते हुए ही बसों में सफर करता है, इसलिए यात्रियों में ऐसा विश्वास कायम किया जाए, वो प्राइवेट से ना सरकारी बसों में ही सफर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसका उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के हर राज्य में इस योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन शासन के निर्देशों का असर कुछ सफाई कर्मचारियों पर दिखाई नहीं देता है। कुछ सफाई कर्मियों की लापरवाही से स्वच्छ भारत मिशन की योजना पूरी तरह से असफल होती हुई नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण जवानिया विकास अंतर्गत महली ग्राम सभा का है, जहां सफाई कर्मियों का पर्दाफाश करते हुए ग्राम प्रधान रोशन राम ने बताया कि सफाई कर्मी अपने स्थान पर प्राइवेट व्यक्तियों से काम कराते हैं। आप इस समय किस ग्राम सभा में कार्यरत हैं? हम इस समय महली ग्राम सभा में कोनहरा मोर्चा में। किस पद पे हैं? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी, आज आपकी उपस्थिति है यहाँ पे, कितने सफाई कर्मी हैं? यहाँ पे 3 लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी, उमेश कुमार रावत, इरफान खान। दो लोग नहीं आए हैं जी, मुलाकात हमसे नहीं हुई। आपसे मुलाकात नहीं हुई? अपने गाँव में हाँ घूमते हैं, गली देखते हैं, गली जरूर देखते हैं। साफ सफाई होती है उसमें? नहीं, साफ सफाई तो प्रतिदिन नहीं होती, लेकिन हफ्ता में 2-3 दिन हो जाती है। मान लीजिए हम सच्चाई बोल रहे हैं, आज साफ सफाई हुई है ग्राम सभा? आज हम देखे नहीं, आज नहीं हुई है। फिर देखे या कौन बताइए ग्राम सभा? आज 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 नहीं हम देखे हैं सफाई कर्मियों को। कहाँ है सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी अपने घर है। वही झांसी में नगर निगम के बाबू ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले व्हाट्सएप पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट के मुताबिक अधिकारी लगातार परेशान कर रहे थे और तंग आकर उसने कदम उठाया है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के गढ़मऊ मौजा में बने फार्म हाउस के अंदर उसका शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पहले नगर निगम के अधिकारियों की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, वो मैसेज ऐसा मैसेज छोड़ के गए हैं। तो पहले भी हमारी बात होती थी पापा से, जब मैं पूछता था पापा से, एक बार मैं जब अपने ऑफिस में था तो उन्होंने फोन किया था कि हमारा इधर पे मन नहीं लग रहा, हमें इधर से छुट्टी दिला दो। तो हमने कहा ठीक है पापा, हम बात करते हैं। उसके बाद उन बात की पापा से तो फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर इसके बाद इन्होंने अभी 5-7 ही दिन हुए होंगे ये सारी घटना हुए, उसके बाद इन्होंने अभी इधर आके सुसाइड कर लिया। इस और अभी मैसेज अभी हम लोगों को पता भी नहीं था। मैसेज
वही झांसी में सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा भारी संख्या में भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में किसी भी शिव भक्त और कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसको लेकर मऊरानीपुर तहसील के उप जिलाधिकारी इंद्रकांत त्रिवेदी, पुलिस क्षेत्राधिकारी हरिमोहन सिंह, कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे सहित भारी पुलिस बल नेशनल हाईवे झांसी खुजराहो पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार तत्पर नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन के बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आई है और स्टॉल और मोबाइल वैन के जरिए 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये बात रास नहीं आई है। बढ़ती हुई सब्जियों के दाम को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने कानपुर के गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महंगी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सपा के इस प्रदर्शन में विधायक, अध्यक्ष समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल रहे। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, सरकार के कानों में चूड़ी देख रहे हैं। सभी सब्जियां 150 से लेकर 250-300 रुपए किलो तक बिक रही है। किसान को फिर भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, काला बाजारियों की पौ बारा है। इसलिए समाजवादी युवजन सभा के साथियों ने अपने नेताओं के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें वो लोग जो सब्जी खरीद नहीं सकते कम से कम देख लें और नहीं तो छू करके महसूस कर सकें, इसका इंतजाम युवजन सभा कार्यकर्ताओं ने किया है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन हम लोग महंगी सब्जियों की एक प्रदर्शनी लगा, टमाटर 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए से अधिकतम कीमत में बिकता था, आज वो टमाटर 200 रुपए पार कर रहा है। शिमला मिर्च आपकी 200-250 रुपए में, अदरक 300 रुपए किलो जा रही, धनिया 250 रुपए किलो में है। आम आदमी खाए तो खाए क्या? ये सरकार आय भी मिटाने के लिए ये गरीब मिटाने पे लग गई है। सरकार ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई जहाज दूंगा, हवा तो दूर, थाली की सब्जियों तक ये खाई जा रही है। आज आदमी, आम आदमी क्या, दाल 150 रुपए किलो है, आटा आपका 32-33 रुपए पहुंच गया है, आम सब्जियां जो आदमी खाकर अपना पेट भरता था वो 200 रुपए के ऊपर पहुंच क्या खाने। इसलिए सरकार को जगाइए, माननीय विधायक जी के द्वारा और युवजन सभा कार्यालय द्वारा यह किया, इसलिए महंगी सब्जियां जो है सरकार को संकेतात्मक ये है व्यंग कि लोग नहीं खा सकते, कम से कम देख लें, छू के एहसास कर लें महंगी सब्जियां से कितना दुखी है व्यक्ति। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।